हेलो एवरीवन, मेरा नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर नरेश कोरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थर्मल इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज। दोस्तों, अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स के यूनिट 5 के नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर आज हम लोग देखने वाले हैं हीट बैलेंस शीट के बारे में। हीट बैलेंस शीट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ह्यूमन लाइफ के लिए, चाहे वो मैन, मशीन या इंजिन किसी भी तरीके की बात हो रही हो। हीट बैलेंस शीट जो है वो आप लोगों को एक वैल्यू देता है। इट इज़ एन अकाउंट ऑफ हीट सप्लाइड एंड हीट यूटिलाइज्ड इन वेरियस वेज इन द सिस्टम। हमारे सिस्टम के अंदर हीट किस तरह से यूटिलाइज हो रही है और कितने अमाउंट की हीट हम लोगों ने सप्लाई की है, ठीक है, उसका एक समरी, उसका एक समेशन, उसकी एक वैल्यू, उसकी जानकारी, वो सारी चीज़ मतलब कि उसको बोला जाता है हीट बैलेंस शीट। एनर्जी बैलेंस कैन बी रिप्रेजेंट डायग्रामेटिकली, उसको हम लोग डायग्राम से भी डिफाइन कर सकते हैं, मतलब के ग्राफ से, बार से, बार चार्ट से, पाई चार्ट से, स्नैकी डायग्राम से, एक्सेट्रा, किसी भी तरीके से हम लोग एनर्जी बैलेंस इक्वेशन, सॉरी एनर्जी बैलेंस शीट या तो हीट बैलेंस शीट को बता सकते हैं। टिपिकल हीट बैलेंस शीट आप लोगों को दी गई है डायग्राम के अंदर, जैसे कि ये है बैलेंस शीट बार चार्ट के फॉर्म में। जैसे कि मान लो परसेंटेज ऑफ हीट की वैल्यू है 25%, 27%, 30% एंड 18%। लेकिन कौन से टाइप की हीट यूज़ हुई है, तो जैसे 18% है तो अनअकाउंटेड हीट लॉसेस हैं, 30% है तो हीट कैरिड इन एग्जॉस्ट गैसेस है, 27% है तो हीट कैरिड इन कूलिंग वाटर है, 25% है तो हीट इक्विवेलेंट टू ब्रेक पावर है। उसी तरह से ये है पाई चार्ट, इसके अंदर भी वही चीज़ है, 27% तो मान लो हीट कैरिड इन कूलिंग वाटर है, 30% तो हीट कैरिड इन एग्जॉस्ट गैस है, 18% तो अनअकाउंटेड हीट लॉसेस है और 25% तो हीट इक्विप्ड टू ब्रेक पावर है। मतलब इस तरह से जो ग्राफ आप लोग मैथ्स में पढ़ते थे स्कूल टाइमिंग में, ऐसे ग्राफिकल मेथड से भी हम लोग हीट बैलेंस शीट को बना सकते हैं। तो हीट बैलेंस शीट को बनाने के लिए क्या क्या पैरामीटर्स दिए जाते हैं, तो हीट एनर्जी इक्विवेलेंट टू ब्रेक पावर, एनर्जी इक्विवेलेंट टू कूलिंग वाटर, एनर्जी इक्विवेलेंट टू एग्जॉस्ट, अनअकाउंटेड हीट लॉसेस, ये एक एग्जाम्पल के तौर पर जो चार चीज़ें हम लोगों ने देखी वो चार चीज़ों का समरी आप लोगों को दिया हुआ है, ठीक है। हीट कैरी अवे बाय कूलिंग वाटर इज यूजुअली मेजर्ड बाय मेजरिंग द कूलिंग वाटर फ्लो रेट एंड टेम्परेचर ऑफ कूलिंग वाटर एट वाटर जैकेट, इनलेट एंड आउटलेट। एक मैथड की तरह मैथड है ये, जो कि कूलिंग वाटर में कितनी हीट एनर्जी कैरी की गई है, ठीक है, वो अगर आप मेजर करना हो तो कूलिंग वाटर फ्लो रेट और टेम्परेचर कितना है कूलिंग वाटर का वाटर जैकेट के इनलेट और आउटलेट में, उसके डिफरेंस के बेस पर आप लोग पता कर सकते हो, ठीक है। हम लोगों को कैलकुलेशन देखना है, हम सीधा कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। तो ये थोड़े पैरामीटर्स है, बेसिक पैरामीटर्स है, जो बेसिक पैरामीटर्स आप लोगों को समझने हैं। एक मिनट, हाँ सॉरी, ओके। तो बेसिक पैरामीटर में सबसे पहला MCW मास फ्लो रेट ऑफ कूलिंग वाटर इन इंजन किलोग्राम पर सेकंड के फॉर्म में, TWI इनलेट वाटर ऑफ इंजन कूलिंग वाटर केल्विन, TWO आउटलेट टेम्परेचर ऑफ इंजन कूलिंग वाटर केल्विन में, MWC मास फ्लो रेट ऑफ वाटर इन कैलोरी मीटर किलोग्राम पर सेकंड, TWCI इनलेट कैलोरी मीटर वाटर टेम्परेचर, TWCO एक्चुअली CO है आउटलेट कैलोरी मीटर वाटर टेम्परेचर, TGCI इनलेट कैलोरी मीटर गैस टेम्परेचर, TGCO आउटलेट कैलोरी मीटर गैस टेम्परेचर, टेम्परेचर सारे केल्विन में है, CPW स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर किलोजूल पर किलोग्राम केल्विन, CPG स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस किलोजूल पर किलोग्राम केल्विन, MF मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल किलोजूल पर किलोग्राम केल्विन, CV लोअर कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, MG मास फ्लो रेट ऑफ एग्जॉस्ट गैस एंड TF एम्बियंट टेम्परेचर। नेक्स्ट, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है बैलेंस शीट के लिए। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहला एनर्जी सप्लाइड टू इंजन बाय कंबशन ऑफ फ्यूल। फ्यूल देखो, इस थियरी के अंदर आप लोगों को सीधे फार्मूला करना है, ठीक है, कौन सा फार्मूला किस पॉइंट के लिए दिया गया है आपको सीधा वही याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना है। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहला एनर्जी सप्लाइड टू इंजन बाय कंबशन ऑफ फ्यूल। फ्यूल के कंबशन से कितनी एनर्जी इंजन को सप्लाई हो सकती है, तो QS इज इक्वल टू MF इंटू CV मतलब मास ऑफ फ्यूल टू द कैलोरीफिक वैल्यू, जिसकी वैल्यू किलोवाट में दी जाती है। एनर्जी इक्विवेलेंट टू ब्रेक पावर मतलब कि Q ब्रेक पावर इज इक्वल टू 2πNT मतलब कि N मतलब इंजन RPM, T मतलब के टॉर्क किलोवाट में। एनर्जी लॉस्ट इन कूलिंग वाटर, कूलिंग वाटर की वजह से कितनी एनर्जी लॉस्ट हो रही है, तो QCW इज इक्वल टू MCW इंटू CPW, TWO माइनस TWI वाटर आउटलेट टेम्परेचर, वाटर इनलेट टेम्परेचर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, मास ऑफ कूलिंग वाटर, ठीक है। एनर्जी लॉस्ट बाय एग्जॉस्ट गैसेस, तो सेम फॉर्मूला, बस फर्क इतना है वाटर की जगह हम लोग ले लेंगे जी,
मतलब के गैस के लिए, और यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का एम्बियंट टेम्परेचर, क्योंकि गैस है इसीलिए। एनर्जी लॉस किस तरह से होती है, तो एनर्जी लॉस आप लोगों को मिल रहा है क्यू यू इज इक्वल टू क्यू एस हीट सप्लाइड माइनस जो भी आप लोगों की हीट लॉस्ट हो रही है, तो ब्रेक पावर के फॉर्म में कूलिंग वाटर की वजह से, गैस की वजह से, मतलब क्यू एस माइनस क्यू बी पी प्लस क्यू सी डब्ल्यू प्लस क्यू ई जी। ठीक है, अभी इक्वेशन की समरी। तो सबसे पहले वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ एयर, वॉल्यूम अगर एयर के फ्लो रेट का वॉल्यूम आप लोगों को फाइंड आउट करना है, तो क्यू इज इक्वल टू ए इंटू सी डी इंटू अंडर रूट ऑफ 2g h a मीटर क्यूब पर सेकंड के फॉर्म में, जहाँ पर एच ए जो होगा, एच ए रो इज इक्वल टू एच डब्ल्यू रो डब्ल्यू, मतलब कि आप लोगों को डेंसिटी अगर कंसिडर करनी है तो डेंसिटी भी यहाँ पर आप लोग कंसिडर कर सकते हो। पॉइंट टू, मास फ्लो रेट ऑफ एयर, तो एम ए इज इक्वल टू रो ए इंटू सी डी अंडर रूट ऑफ 2g h a किलोग्राम पर सेकेंड। इंडिकेटेड पावर पी आई एम एल ए एन एक्स सी वॉट, जो कि इंडिकेटेड पावर का फॉर्मूला हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देख लिया। ब्रेक पावर 2 π n t, या तो फिर ब्रेक पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू एन अपॉन सी, सी मतलब के कांस्टेंट वैल्यू जो आपको दी होगी, डब्ल्यू लोड हो जाएगा, और एन आर पी एम मतलब के रिवोल्यूशन पर मिनट, या तो फिर आर पी एस रिवोल्यूशन पर सेकेंड। ब्रेक पावर के लिए अगर आप लोगों को फाइंड आउट करना है, तो जिस तरह से पी आई एम था वैसे यहाँ पर पी बी एम हो जाएगा, मतलब के ब्रेन मेन इफेक्टिव प्रेशर, बाकी सेम फार्मूला। फ्रिक्शन पावर, तो जो कि हम लोगों ने आगे लास्ट लेक्चर में देख लिया, इंडिकेटेड पावर माइनस ब्रेक पावर। मैकेनिकल एफिशिएंसी है, तो रेशियो ऑफ ब्रेक पावर टू द इंडिकेटेड पावर, या तो फिर ब्रेक मेन इफेक्टिव पावर टू द मेन इफेक्टिव प्रेशर। उसी तरह से इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी है, तो इंडिकेटेड पावर टू द मास फ्लो रेट, सॉरी मास ऑफ फ्यूल इंटू कैलोरीफिक वैल्यू। और ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी है, तो सिर्फ इंडिकेटेड पावर की जगह ब्रेक पावर, बाकी एम एफ इंटू सी वी एज इट इज, मतलब मास ऑफ फ्यूल इंटू लोअर कैलोरीफिक वैल्यू। बिल्कुल उसी तरह से इंडिकेटेड स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन अगर देखा जाए, तो इंडिकेटेड स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन इज इक्वल टू मास ऑफ फ्यूल डिवाइडेड बाय इंडिकेटेड पावर, जो कि होगा किलोग्राम पर वाट इंटू सेकंड में, या तो फिर किलोग्राम पर किलो वाट आवर में। ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन अगर फाइंड आउट करना है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है बी एस एफ सी इज इक्वल टू मास ऑफ फ्यूल डिवाइडेड बाय ब्रेक पावर, किलोग्राम पर वाट इंटू सेकंड, या तो फिर किलोग्राम पर किलो वाट इंटू आवर। याद रखना दोस्तों, अगर आप लोगों ने यूनिट नहीं लिखा है ना, तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो जहाँ जहाँ यूनिट आ रहा है वहाँ पर आपको यूनिट लिखना ही लिखना है। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे लिए होता है एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। तो अगर ऑटो साइकिल है तो 1 - 1/r - 2 γ - 1, डीजल साइकिल है तो डीजल साइकिल का फॉर्मूला आप लोगों को अप्लाई करना होगा। रिलेटिव एफिशिएंसी बेस्ड ऑन मतलब के इंडिकेटेड पावर के लिए, इंडिकेटेड के रिस्पेक्ट में, तो रिलेटिव एफिशिएंसी हो जाएगी आपकी इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी डिवाइडेड बाय एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी, ए एस मतलब के एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। ठीक है, ये आई आर है मतलब के इंडिकेटेड रिलेटिव एफिशिएंसी आप लोगों की मिल रही है इंडिकेटेड के रिस्पेक्ट में। रिलेटिव एफिशिएंसी इन बेस्ड ऑन ब्रेक पावर, ये ब्रेक पावर के रिस्पेक्ट में अगर है, तो आप लोगों के यहाँ पर हो जाएगी ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी टू द एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी, मतलब कि रिलेटिव एफिशिएंसी बेस्ड ऑन ब्रेक पावर है, तो रिलेटिव एफिशिएंसी का फॉर्मूला बन जाएगा ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी टू द एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल। अभी हीट बैलेंस शीट के लिए फॉर्मूला आप लोगों को कौन से लगाना है, तो क्यू एस हीट सप्लाइड मास ऑफ फ्यूल इंटू कैलोरीफिक वैल्यू। ब्रेक पावर के लिए 2 π n t जो कि आगे आ चुका है फॉर्मूला, क्यू सी डब्ल्यू एन सी डब्ल्यू इंटू सी पी डब्ल्यू इंटू टी डब्ल्यू ओ माइनस टी डब्ल्यू आई। क्यू ई जी इज इक्वल टू एम जी इंटू सी पी जी टी जी सी आई माइनस टी एफ, मतलब के हम लोगों ने जो फॉर्मूला देखा था, सॉरी हाँ, एनर्जी लॉस्ट बाय एग्जॉस्ट गैसेज, एनर्जी लॉस्ट इन कूलिंग वाटर, एनर्जी इक्विवेलेंट टू ब्रेक पावर, फिर एनर्जी सप्लाइड टू द इंजिन, एंड द लास्ट वन वॉज अनअकाउंटेड एनर्जी लॉस। ये है अनअकाउंटेड एनर्जी लॉस, क्यू यू इज इक्वल टू क्यू एस माइनस क्यू सी डब्ल्यू प्लस क्यू ई जी प्लस क्यू बी पी। ठीक है, तो ये था हमारे लिए हीट बैलेंस शीट। हीट बैलेंस शीट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम्पल के लिए अगर पूछा जाता है तो। ठीक है, तो आई होप दोस्तों कि आप लोगों को हीट बैलेंस शीट के अंदर भी पता चला होगा। अगर हीट बैलेंस शीट के अंदर ना पता चला हो, कोई डाउट हो, तो मुझसे ज़रूर पूछेगा। थैंक यू सो मच।